हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज है हमारा डे 8 क्लास नंबर 8 पैसिव वॉइसेस का, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके फार्मूले का स्ट्रक्चर बताऊंगा पैसिव वॉइस के लिए, और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 7 क्लासेस कर चुके हैं पैसिव वॉइसेस के बारे में। अगर आप में से किसी ने वो 7 क्लासेस मिस की हो तो जस्ट ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको ऑल पैसिव वॉइसेस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप जो है बतरतीब पैसिव वॉइसेस जो है सीख सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसको आपको मद्देनजर रखकर आप फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है, एंड द सेकंड पॉइंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है उसे आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, एंड द थर्ड पॉइंट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस टेंस में हम यूज करेंगे वो है विल बी एंड शैल बी। ठीक है, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आपको हमेशा यूज करना है, चाहे आप किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस कर रहे हो। ठीक है, आते हैं कि फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का पैसिव वॉइस के लिए फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है। तो वो है सब्जेक्ट, इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब क्योंकि है विल बी एंड शैल बी, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे एंड बाई का इस्तेमाल करेंगे, एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पर मैंने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस और दूसरी तरफ हम इन्हीं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूंगा। अब आई इसमें सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूंगा। इस सेंटेंस को अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर पुट करना होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करना होगा, बाई एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है अ लेटर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अ लेटर, इसके बाद अ लेटर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे विल बी, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म क्योंकि राइट रोट रिटन, यहां पर लिखेंगे रिटन, इसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्ट क्योंकि आई को मी में चेंज करेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस में था आई शैल राइट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। यहां पर अ लेटर इसमें हो गया सब्जेक्ट, विल बी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिटन हो गया वी थ्री वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय हमने फार्मूले की वजह से की है, मी ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलेगा, तो ही इसमें सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, द ट्रूथ ये हो गया ऑब्जेक्ट, वो सच बोलेगा। तो यहां पर इसे अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा, यहां पर आपको लिखना है द ट्रूथ, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि है विल बी, द ट्रूथ विल बी, इसके बाद स्पीक स्पोक स्पोकन, तो यहां पर हम लिखेंगे स्पोकन, इसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे, एंड ही को हिम में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय हिम। अब यहां पर द ट्रूथ ये हो गया सब्जेक्ट, विल बी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्पोकन हो गया वी थ्री वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय हमने फार्मूले की वजह से की है, एंड ही को हिम में चेंज किया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, द ट्रूथ विल बी स्पोकन बाय हिम। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल नॉट कुक द मीट, वो गोश्त नहीं पकाएगी, तो शी इसमें हो गया सब्जेक्ट, विल नॉट ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमने नेगेटिव के लिए पुट की है, ये हो गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, द मीट ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर पुट करना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में द मीट विल नॉट बी, हेल्पिंग वर्ब के बीचों बीच में हम नॉट पुट करेंगे, इसके बाद जो है लिखेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म चौके कुक कुक्ड कुक्ड, यहां पर लिखेंगे कुक्ड, इसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे चौके फार्मूले की वजह से, एंड शी को हर में चेंज करेंगे। तो ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा द मीट विल नॉट बी कुक्ड बाय हर। अब यहां पर द मीट ये हो गया सब्जेक्ट, विल नॉट बी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड ये हो गया वर्ब थर्ड फॉर्म बाय फार्मूले की वजह से, एंड हर ये हो गया ऑब्जेक्ट, द मीट विल नॉट बी कुक्ड बाय हर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड लास्ट दे विल नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलेंगे, अब दे ये हो गया सब्जेक्ट क्योंकि एक से ज्यादा लोग है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए है, प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म,
हॉकी ऑब्जेक्ट है। तो इसे अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर पुट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हॉकी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हे विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब के बीचों बीच में नॉट पुट करूंगा। इसके बाद वर्ब थर्ड पर्सन क्योंकि हे प्लेड यहाँ पर लिखूंगा प्लेड। इसके बाद बाई का इस्तेमाल करूंगा एंड दे को दिम में चेंज करूंगा। तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय देम। अब यहाँ पर हॉकी ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, विल नॉट बी ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब थर्ड पर्सन बाय फार्मूले की वजह से, दिम ये हो गया ऑब्जेक्ट, हॉकी विल नॉट बी प्लेड बाय दिम। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है द लास्ट वन वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, क्या वो अपना वादा पूरा करेगा। विल ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, फुलफिल वर्ब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, His promise ये हो गया object and sign up interrogation ये एक interrogative sentence है। तो इसे अगर आपको passive voice में change करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये interrogative sentence है तो helping verb के बीचों बीच में हम जो है subject put करेंगे, will be के बीचों बीच में आपको his promise put करना है, इसके बाद verb third form क्योंकि है fulfilled, इसके बाद by का इस्तेमाल करेंगे and object को him में change करेंगे। तो यहाँ पर ये passive voice में हो जाएगा will his promise be will be ये हो गया helping verb, will be ये हो गया helping verb। तो helping verb के बीचों बीच में हमने जो है subject put किया चूंकि है his promise, इसके बाद यहाँ पर verb third form fulfilled, इसके बाद by का इस्तेमाल करेंगे and he को him में change करेंगे and sign up interrogation। तो ये active voice में था will he fulfill his promise, क्या वो अपना वादा पूरा करेगा। तो passive voice में हो जाएगा will his promise be fulfilled by him। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि will be ये हो गया helping verb, his promise ये हो गया subject, fulfilled verb third form by formula की वजह से and him ये हो गया object। तो ये passive voice में बन जाएगा will his promise be fulfilled by him इस तरह से। तो गाइस ये था हमारा क्लास नंबर 8 जिसके अंदर मैंने आपको फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाया और साथ ही साथ उसके फार्मूले का स्ट्रक्चर बता दिया और कुछ पॉइंट्स बता दिए जिसकी हेल्प से आप फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो वीडियो था जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूले और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलता हूं मैं आपको एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।